Assalamualaikum. So hi guys, welcome back to another video about second year chapter 17 और हमारा अब का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी. इससे लास्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में पढ़ाया था और उसको समझाया था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है. अब हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में एक सबसे अहम एरिया, बेसिकली जो मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स है वो दो चीज़ों की डिस्क्राइब होती है, रिलेटिविटी. पहली चीज़ क्या है? रिलेटिविटी. और दूसरी चीज़ क्या है? क्वांटम फिजिक्स. तो रिलेटिविटी जो है इसमें जो भी काम किया है वो आइंस्टाइन ने ही किया है और हम आइंस्टाइन की ही रिलेटिविटी को पढ़ते हैं. उसके बाद अब फर्दर इस एज में इस एरा में मज़ीद रिलेटिविटी पे भी काम होता है, तो डिफरेंट फिजिसिस्ट्स पे काम करते हैं. बट जो इसका ओरिजिन है, जो हमें रिलेटिविटी समझाई है कि क्या होती है रिलेटिविटी, या आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें समझाई. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है इसको समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि जो एक तो प्रिंसिपल है रिलेटिविटी का, डेफिनेटली सी बात है जब हम रिलेटिविटी की बात करेंगे तो उस पर यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा. उसके बाद फिर आइंस्टाइन ने हमें इस रिलेटिविटी की थ्योरीज दी, दो थ्योरीज दी. एक थ्योरी दी हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब हमने करना क्या है, हमने इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है स्पेशल थ्योरी को और जनरल के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा वो मैं आपको दूंगा कि जनरल थ्योरी क्या थी, एक इस हवाले से थी उसकी कोई खास एप्लीकेशन. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है एंड देन फिर इस रिलेटिविटी को डिटेल में भी इंशाल्लाह समझेंगे. तो डेफिनेशन आपके सामने मौजूद होगी और डेफिनेशन को भी डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा उसको, वैसे भी मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज है. यहां वर्ड रिलेटिविटी आ रहा है ना, रिलेटिविटी, तो इसके लिए पहले तो ये समझो कि होती क्या है रिलेटिविटी. देखो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म है रिलेटिव, एक टर्म है रिलेटिव और दूसरी टर्म है हमारे पास, एक टर्म रिलेटिव दूसरी टर्म हमारे पास है एब्सोल्यूट. तो ये दो बहुत अहम मीनिंग रखते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. अब फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, मेजरमेंट ऐसी होती हैं जो रिलेटिव होती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं जो एब्सोल्यूट होती हैं. तो अगर कोई क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट ऐसी वैल्यू रखती हो जो दुनिया जहां में किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो उसको मेजर करे, कहीं से भी मेजर करे, अगर तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही किसी के रेस्पेक्टिवली, किसी के रिलेटिवली वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, तो वो एब्सोल्यूट है. उसका किसी ऑब्जर्वर से कोई खास ताल्लुक नहीं है, कोई खास रिलेशन नहीं है, वो किसी का खास रिलेटिव नहीं. तो जब बात आ रही है रिलेटिव की, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी मेजरमेंट जो ऑब्जर्वर पे रिलेट कर रही हो, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन पे, मेजरमेंट पे डिपेंड कर रही हो और उस मेजरमेंट में खास तौर से उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही हो. किस पे डिपेंड कर रही हो? उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. असल में हर ऑब्जर्वर अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखता है, तो इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वर का अपना एक नजरिया है. जो ऑब्जर्वर अपने लिहाज से जो कुछ मेजर कर रहा है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजरमेंट हो रही है. तो लिहाजा जब हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उसको विद रिस्पेक्ट कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग जिसके रिस्पेक्ट से उस चीज को मेजर किया जा रहा है. तो लिहाजा अगर कोई क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो वेरी कर सकती है. ठीक है, नजरिया का हर ऑब्जर्वर के नजरिए के मुताबिक उसकी वैल्यू अलग आ सकती है. ठीक है, मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो बेसिक फिजिकल लॉ है ना वो चेंज नहीं होता. जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, फोर्स को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ती है, ये लॉ सबके लिए वैलिड है. लेकिन मेजरमेंट की जो वैल्यूज आएंगी वो रिलेटिव हो सकती है, हर ऑब्जर्वर के लिहाज से डिपेंड करेगा उसके फ्रेम ऑफ
रेफरेंस पे, ठीक है। ये बात अभी सिर्फ इतनी समझो कि रिलेटिव क्या चीज है, एब्सोल्यूट क्या चीज है। सिंपल सी एक मिसाल रिलेटिव से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे घर से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो अगर मान लेते हैं वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है फ्रॉम माय होम, तो क्या उसका डिस्टेंस हर जगह से 20 किलोमीटर है? नहीं, उसका डिस्टेंस मेरे घर से 20 किलोमीटर है। इसका मतलब है एट 20 किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस विद रिस्पेक्ट टू माय हाउस, बट फ्रॉम एनी अदर वन हर जगह से उसका अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग वैल्यू है, रिलेटिव हो गई। अब मिसाल के तौर पे हम खुद जब रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेटिव बात करते हैं, हम एब्सोल्यूट तो नहीं है। आप या मैं हर किसी के लिए एक ही रिश्ता तो नहीं रखता। जैसे मैं अपने फादर के लिए सन हूँ, ठीक है, और जो है अपने सिस्टर के लिए ब्रदर हूँ, और आप लोगों के लिए टीचर हूँ, और अपने टीचर्स के लिए स्टूडेंट हूँ। तो हर किसी के रेस्पेक्ट से मेरा एक अलग रिलेशन है। मैं रिलेटिव हूँ, मैं एब्सोल्यूट नहीं हूँ। उसका अगर मैं एब्सोल्यूट होता तो क्या मैं हर किसी के लिए एक ही रिश्ता रखता? नहीं, दैट्स इम्पॉसिबल। सो लिहाजा रिलेटिव का मतलब है कि हर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली उससे जो भी आपका रिलेशन बन रहा हो। तो हम रिलेटिविटी में यही पढ़ेंगे कि जिस चीज को भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मेरे मुताबिक मेरा वक्त कुछ और गुजर रहा है, किसी और के मुताबिक उसका वक्त कुछ और गुजर रहा है। तो रिलेटिविटी में हम यही देखेंगे कि मैं अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे नजरिए में उसकी वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके नजरिए में मैं किसी और तरह से बिहेव कर रहा हूँ। सो लिहाजा कोई एक बिहेवियर हर किसी के लिए एक ही जैसा नहीं है। सो लिहाजा हम यह बात करेंगे, नेचर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रिलेटिव बिहेव करती हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, और ऐसी भी चीजें हैं जो एब्सोल्यूट होती हैं। तो उनके लिए जो एब्सोल्यूट होती हैं, इसका मतलब है वो किसी के लिए नहीं बदलती, तो उसके लिए दूसरे बदलते हैं। ये चीज मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि किसके लिए कौन बदलता है। बहरहाल एक चीज होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी फिलहाल ये है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, डेफिनेशन स्क्रीन पे आएगी। अजम्पशन मेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अजम्पशन करी कि जितने भी पॉसिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आपके पास हैं, पॉसिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहीं पे भी आप मौजूद हो, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी या तो वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस यह बात हो रही है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो, भले वो रेस्ट में हो, भले वो मूव कर रहे हो कितनी भी स्पीड से, लेकिन वो स्पीड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, और वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो उसमें हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप फिजिक्स के किसी भी लॉ को अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, तो फिजिक्स का हर लॉ उन हर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वैलिड होंगे, सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, वैलिड भी होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे, यानी जो नतीजा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहा है वही दूसरे में भी आ रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है रेफरेंस है एक्स वाई जेड और दूसरा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यू मान लो ये रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बट इसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो फिजिकल लॉ होगा वो इक्विवेलेंट ही होगा, सेम बिहेव करेगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू मेजरमेंट कुछ आए, इसमें कुछ और आए, किसी में ज्यादा किसी में कम आए, क्योंकि वो वैल्यू डिपेंड करेंगे वो रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, बट जो बेसिक फिजिकल लॉ होगा वो दोनों में सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यही है कि भाई जितने भी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आप पढ़ोगे, अच्छा आप जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एक्सपेरिमेंटली यूज करते हो, या हम हमारी दुनिया हमारी अर्थ खुद एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि हमने जितने फिजिक्स के लॉज बनाए हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए ही बनाए हैं, इसके अलावा नॉन इनर्शियल में चले जाएंगे तो वो लॉज होल्ड नहीं करेंगे। सो लिहाजा हम प्रेफर इनर्शिया को करते हैं, हमारी जमीन जो है ना वो स्पिन कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से हमें उसकी रफ्तार महसूस ही नहीं होती, हमें फील होता है कि हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि है, बहुत थोड़ा एक्सेलरेशन है, नेग्लिजिबल टाइप का, जो हमें फील नहीं होता। तो हमारा जो अर्थ है हमने मान लिया कि वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अलावा अगर कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन इनर्शियल होगा
तो उसके मुकाबले में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप दो लॉस परफॉर्म करोगे तो नॉन इनर्शियल में उसका उसमें फिजिकल लॉ अलग बिहेव करेगा, इसमें अलग बिहेव करेगा। तो इसीलिए बस उन्होंने ये बात बोली है कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हो, अगर वो सब के सब इनर्शियल हैं, सो ऑल द पॉसिबल फ्रेम जो कि इनर्शियल हो आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉस। ये बात सिर्फ इतनी समझोगी कि जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताई, दैट्स इट। और उसमें ये बात भी समझना कि रिलेटिव चीज क्या होती है और एब्सोल्यूट चीज क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज दी, एक मैंने आपको बता दिया था स्पेशल थ्योरी, एक मैंने आपको बता दिया जनरल थ्योरी। तो देखो इस बात को यहां समझते हैं कि स्पेशल थ्योरी स्पेशल क्यों बोल रहे हैं और जनरल को जनरल क्यों बोल रहे हैं। तो एक बात को मेरे यहां समझना कि देखो हमेशा सबसे पहले जो कोई भी काम किया जाता है वो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक काम जनरली कर दो सबके लिए, ऐसा काम एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे दो जो हर किसी के लिए हो, उसको बोलेंगे जनरल। लेकिन अगर ऐसा कंट्रीब्यूशन जो किसी एक के लिए हो, खास के लिए हो, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक या स्पेशल। तो भाई न्यूटन ने ये करा कि न्यूटन ने सबसे पहले अपनी स्पेशल थ्योरी दी, उसके बाद उसने एक थ्योरी दी है जो जनरल थ्योरी। इसका मतलब है पहले उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो किसी खास चीज के लिए दिया है, उसके बाद जो उसने कंट्रीब्यूशन दिया है वो फिर ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि जनरल है, उसमें कोई भी शामिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्योंकि आपको बताया था कि दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एक होता है इनर्शियल एक होता है नॉन इनर्शियल। तो भाई देखो हमारा ताल्लुक ज्यादातर किससे होता है, इनर्शियल फ्रेम से होता है, तो हमारे लिए वो एक खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अलावा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देख लो जो कि एक्सेलरेशन रखता हो जो कि नॉन इनर्शियल हो, तो फिर वो हमारे वैसे बात है हमारे डेली लाइफ से या डेली जो हम जिसमें हमने अपने फिजिक्स के लॉस बनाए उससे हट जाएगा। तो लिहाजा इस बात को याद रखेंगे कि आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है वो उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए दी है जो इनर्शियल है, और आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी दी बाद में वो उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए है जो नॉन इनर्शियल है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए है और जनरल वाली जो है वो नॉन इनर्शियल के लिए है। तो इसकी डेफिनेशंस पे अगर हम आए कि भाई देखें दो तरह की थ्योरी होती है स्पेशल और जनरल, तो आपके पास सवाल आए जैसे कि व्हाई इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉल्ड स्पेशल, राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स पे तो आना है लेकिन पहले ये बात समझानी है कि स्पेशल को स्पेशल क्यों बोलते हैं। तो भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कॉल्ड स्पेशल बिकॉज इट इज कन्फाइंड टू इनर्शियल फ्रेम्स रेफरेंस ओनली, क्योंकि इसमें सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात होती है। यानी हम ये बताएंगे कोई भी फिजिकल बिहेवियर फेनोमिना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में कैसे बिहेव करेगा, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको रिलेटिवली क्या चीज दिख रही है और उस वाले को इस वाले के लिहाज से क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है। तो यूं मान लेते हैं दो ऑब्जर्वर होंगे, इसके ऑब्जर्वर के रिलेटिवली इसका बिहेवियर कुछ और होगा, इसके रिलेटिवली इसका बिहेवियर कुछ और होगा। यूं मान लेना हर ऑब्जर्वर अपने लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होगा लेकिन सामने वाले को देखेगा तो कहेगा कि इसमें कोई चेंजेस है, तो वो सारे चेंजेस रिलेटिव फील हो रहे होते हैं। यूं कह लो कि बेसिकली वो फेनोमिना एग्जैक्टली किस में हो रहा है हम नहीं बता सकते लेकिन दोनों एक दूसरे को देख के यही फील करेंगे कि भाई ये चेंज इसमें आ रहा है और मैं ठीक हूं तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बेसिकली रिलेटिवली रिलेटिविटी यही चीज है कि जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और ऑब्जर्वर्स के ऊपर। और स्पेशल थ्योरी में हमने सिर्फ बात करी है किसकी, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस की। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इस वाली वीडियो को जरा एंड करता हूँ। और मैंने अभी आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि भाई रिलेटिविटी क्या चीज है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है, और फिर मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज दी हैं रिलेटिविटी के लिए और उसने दो थ्योरी दी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी पहले दी है, जनरल बाद में दी है। स्पेशल थ्योरी में सिर्फ बात की है इनर्शियल फ्रेम्स की और जनरल में बात की है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। इस बात को यही एंड करता हूं, जो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी पे आऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या इस्तेमाल है, उसमें क्या चीज
अलग है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, और जो कुछ मैंने आज पढ़ाया है इसका रिव्यू करें और इसके अकॉर्डिंगली जो सवाल है वो आप याद कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी है, एंड स्पेशल थ्योरी को स्पेशल क्यों बोलते हैं, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी एंड सो ऑन आई विल डिस्कस इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।